फ्रेश माइंड, लेकिन फ्रेश माइंड उन्हीं का होगा जिसको सफल में उल्टे नहीं आए, नींद भी इधर उधर की और बातें नहीं आई, गहरी नींद आई, वो सुबह उठते फ्रेश माइंड, जिनको रात को गहरी नींद नहीं आती है उनका सुबह सोकर उठते ही माइंड फ्रेश नहीं होता, वो योग फ्रेश माइंड से कर लेता है। उसके लिए फ्रेश माइंड रहे इसकी ही विधि यही है, चार्ट देकर मन को एकदम साफ सुथरा बनाकर बाबा की याद में सो। दीप नींद का ये अर्थ नहीं समझना कि इतनी गहरी नींद में सो जाए कि कुछ पता ही न पड़े, वो डीप नींद नहीं, वैज्ञानियों की डीप नींद है, सो जाए पता ही नहीं। डीप नींद अर्थात निंद्रा योगी, इसका एग्जाम्पल अपना साकार बाबा था, ब्रह्मा बाबा, जो साकार बाबा के समय थे वो अनुभव सुनाते हैं कि जब हम कभी बाबा के कमरे के सामने 12 बजे रात को, 1 बजे, 2 बजे जब भी गए हैं, जैसे पर्दा उठा के देखा झांका, तुरंत बाबा कहता था आओ। जो जी रहा है और जा भी रहा योगियों की निद्रा योगी, योग में ही नींद में योग, सो भी रहे लेकिन जा भी रहे। इसका आधार एक मुरली में पापा ने कहा था कि उसके पहले रिवाइज हुई है अद्वैत मुरली में, कि रात समय ऐसा आएगा कि आप लोगों के पास भक्तों की लेने वालों की लाइन लगी होगी, आपको रेस्ट करने के लिए टाइम समय आप 5 मिनट भी अशरीर की होकर के बात की याद में हो जाएंगे, तो 5 मिनट बात की याद में हो जाना 5 घंटे रेस्ट के बराबर होगा। उस समय की आपकी कितनी शक्ति है, तो इसके लिए भी चार्ट देकर बाबा की याद में सो जाओ। सूक्ष्म वतन में आकारी रूपधारी बनकर बाबा की गोद में सो जाओ। बहुत गहरी नींद होगी और बहुत लाइट नींद होगी, गहरी नींद होगी लाइट होगी। जिसको योगियों की निद्रा का मिसाल दिया हुआ है स्वान निद्रा, जैसे कुत्ते सोते हैं लेकिन वो सोते हुए जागते हैं,
जरा सा आवाज हो सोया पड़ा है तुरंत उठ जाता है, तो वो नींद आती